दिल्ली एनसीआर में लू के प्रकोप से तो राहत मिल गई है, लेकिन मंगलवार को तापमान में कमी दर्ज होने के बाद बुधवार को एक बार फिर से बढ़ोतरी भी हुई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को दिन में तेज हवा चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी दिल्ली में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके बाद 16 और 17 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा और तेज धूप एक बार फिर से गर्मी के साथ साथ तापमान को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से 18 अप्रैल से लू चलने की आशंका है। वहीं दिल्ली में फिलहाल बारिश की कोई भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे में अभी गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 21.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली में बुधवार को हवा में नमी का स्तर 22 से 64% रहा। दिल्ली में आज यानी गुरुवार को अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आंशिक बादल दिख सकते हैं और तेज हवा चलने का भी अनुमान है। वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ भी बादल छाए रहेंगे। वहीं गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। दिल्ली NCR में हवा खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार गुरुवार को दिल्ली में AQI खराब श्रेणी में 235 है। वहीं नोएडा में AQI 295 दर्ज हुआ है, जबकि गुरुग्राम में भी खराब श्रेणी में AQI रहा है और 287 रिकॉर्ड हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।